हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैडी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने जो है आपके कैमरा से कुछ वीडियो शूट किए हैं, वरना फोटो शूट किए हैं, बाद में आप जब भी उसको पीसी में डाल रहे हो, पीसी में वो आप लोग को जो है कुछ 0 KB दिखा रहे हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो इस तरह से आप लोग को कुछ इशू दिखा रहा है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा। एक छोटी सी वीडियो रहेगी तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करो। तो दोस्तों, बात यह है कि जो आप लोग जो फोटोज और वीडियो शूट करते हो, और मोस्टली जो है ये इशू तब आता है कि आप आपका कैमरा डायरेक्टली जो है आपके पीसी को कनेक्ट कर रहे हो USB थ्रू, तो वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये केस में नॉर्मली आप लोग कर सकते हो, बट जहाँ पे आप लोग को बता रहा है कि मतलब 0 KB बता रहा है और ज़्यादा GB वाला दिख रहा है डेटा, साइज़ दिख रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर साइज़ आप लोग को नहीं दिख रही है, 0 KB में दिखा रहा है फोटो हो वीडियो हो, तो आप लोग को ये ट्रिक अप्लाई करनी है। तो कुछ इस तरह से एक पेन ड्राइव मिलेगा जो कि आप लोग देख ही सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ अगर आप लोग को ऑनलाइन बाय करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैमरा का SD कार्ड भी मिलता है, उसको आप प्लग करके आपके PC में लगाओ और ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देगा। सेम टू सेम मैंने जो है मेरे स्क्रीन रिकॉर्ड किया है जहाँ पे मेरे को वो इशू फेस कर रहा था और उसके बाद वो फेस नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जो है हमें प्रॉब्लम आता है इसके वजह से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ जो प्रॉपर वीडियो शूट किए हैं और वो इवेंट्स है, वरना कुछ भी है वो वापस तो नहीं आने वाला। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है 0 KB तो ना ही आप क्लाइंट को किसी वीडियो वरना फोटो भेज सकते हो, और मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। तो ये छोटा सा जो USB है, कार्ड रीडर टाइप बोल सकते हो आप लोग, जहाँ पे लेकिन जो है कैमरा का SD कार्ड सपोर्ट करना चाहिए। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, अगर आप लोग को चेकआउट करना है तो ज़रूर से जाके बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, सोचा कि आप लोग को भी बताओ, क्योंकि नॉर्मली जो मैं भी वीडियो शूट करता हूँ, फोटो शूट करता हूँ, तो ऐसे इशूज़ जो है छोटे मोटे आते रहते हैं। मैंने सोचा आप लोग को जो है एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगती है जरूर से लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।